हाय एवरीवन, सो इस हायरिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आई होप सबसे पहले तो जो अपडेट है वो ये है कि इन्फो एज की तरफ से जो मैंने कल वाली हायरिंग डाली थी, आई होप आप लोगों को टेस्ट रिसीव हो गए होंगे, जो क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑडियंस है जिनने कल अप्लाई किया था उनको आज यहाँ पर टेस्ट मेल आ गए हैं। ठीक है, सो मैं होप करता हूँ आप लोगों को भी टेस्ट मेल रिसीव हो गए होंगे फ्रॉम इन्फो एज। बहुत अच्छी हायरिंग है, अच्छे से टेस्ट देना, MCQ और कोडिंग क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं, सो ट्राई योर बेस्ट इन दैट। ओके, नॉट टॉकिंग अबाउट द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, वो ये है कि यहाँ पर आज मैं बात करने वाला हूं एक हेक्सावेयर की हायरिंग के बारे में और मल्टीपल और भी हायरिंग्स हैं, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज के हेक्सावेयर ने जो IMS की हायरिंग निकाली है, जिसके जो रजिस्ट्रेशन है वो यहां पर सुपर सेट के थ्रू हो रहे हैं। द बिगेस्ट अपडेट इज कि वो हायरिंग जो है वो एक लिमिटेड पोर्शन को यहां पर कंसोलिडेट करती है, लाइक यहां पर पुणे, मुंबई, महाराष्ट्र वाले लोग जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट ये ओवरऑल इंडिया के लिए यहां पर सुपर सेट के थ्रू ओपन नहीं करी गई है। सो यू कैन ट्राई टू अप्लाई, उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि हेक्सावेयर की ये वाली जो हायरिंग है, दिस इज द IMS हायरिंग फॉर द BSC BCA पीपल। एंड जनरली जब हमने हर साल देखा है तो इस वाली हायरिंग के बाद यहां पर हेक्सावेयर GET या PGET इस पोजीशन के लिए यहां पर हायरिंग निकालती है फॉर 5.5 to 6 LPA पे पैकेज। बट द प्रॉब्लम इज के हेक्सावेयर की यहां पर जो ऑनबोर्डिंग्स हैं वो उसका काफी ज्यादा यहां पर प्रॉब्लम चल रही है। सो कुछ भरोसा नहीं है कि इस साल हमें GET या PGET की हायरिंग देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, सो मूविंग अराउंड जो भी है यही है, अभी तो हम इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि कल मैंने एक डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग अपलोड करी थी रात में, अगर वो आपने नहीं देखी हो तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। सो लेट्स डिस्कस ऑल द हायरिंग अपॉर्चुनिटीज एंड आपको सभी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। पहले स्टार्ट करेंगे यहां पर डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग जो मैंने कल अपलोड करी थी, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो इसमें अप्लाई जरूर कर देना, इसकी लिंक मैं आपको सबसे ऊपर प्रोवाइड करा दूंगा। ये डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग होने वाली है फॉर फ्रंट एंड डेवलपर जॉब रोल। सो ये कल मैंने अपलोड करी थी, अगर आपने अप्लाई ना किया हो तो जरूर अप्लाई कर देना। देन आगे बढ़ते हैं विद द हेक्सावेयर हायरिंग। सो हेक्सावेयर IMS ऑफ कैंपस 2024, इसकी जो डेडलाइन है वो 25 जून यहां पर हो चुकी है। टॉकिंग अबाउट दिस, द CTC इज 3 lakhs। एंड टॉकिंग अबाउट हेक्सावेयर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सपोर्ट IMS JD ऑफ कैंपस 2024 में ग्रेजुएट BSc CS IT इलेक्ट्रॉनिक्स EEE सर्कुलर एंड BCA वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेंशन करी गई है वो ये लिखी हुई है, ट्रेनिंग वर्क लोकेशन कॉलेज और कैंडिडेट करंट लोकेशन चेन्नई, पुणे, मुंबई और नोएडा ओनली फ्रॉम तमिलनाडु और महाराष्ट्र। ठीक है, सो यहाँ पर जो वर्क लोकेशन कॉलेज और कैंडिडेट करंट लोकेशन है वो इन स्टेट्स में होनी चाहिए। दिस इज द मेन प्रॉब्लम कि इन्हें कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स लिखी हैं, केवल उसी स्टेट्स के यहाँ पर स्टूडेंट्स होने चाहिए तब यहाँ पर आप अप्लाई कर पाओगे। दिस इज द मेजर इशू। सो जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रॉम चेन्नई, पुणे, मुंबई, नोएडा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दे कैन अप्लाई। टॉकिंग अबाउट दिस फॉर BCA एंड BSc पीपल for IMS off campus Hexaware, so you can try to apply. Then we have a hiring opportunity from Deloitte. They are hiring for consulting internship. And talking about this, consulting internship mein Deloitte ki hiring rahegi. Consulting intern, BTech, MCA, MBA or other equivalent qualification people can apply. Now, then we have another hiring from Mahindra, jo ki direct test bootcamp hone wala hai. This for only female candidates and you can grab the internships through here. Okay, so please register in this, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो grab pre-placement interviews आपको देखने को मिलेंगे only for the female students, so you can try. Then we have a hiring opportunity from SAP hiring for solution support engineer and 0 to 3 years of experience की requirement लोगों ने मांगी हुई है. Then we have a hiring opportunity from Woodpecker hiring for Woodpeckers Hackathon. So you can try to register for this and यहाँ पर भी अगर आप देखोगे the direct test hiring opportunity round 1 is live जो कि 12 जुलाई तक रहेगा, इसमें आपको internship opportunities provide कराई जा सकती हैं, so you can try to apply. Then we have a hiring opportunity from Airbus hiring for internship and technical data analyst and you can try to apply in the Airbus entry-level experience की requirement है. Then we have a hiring opportunity from PayU, so PayU is hiring for associate software engineer, job location will be Bangalore and Gurgaon. So you can try to apply. Bangalore या गुड़गांव में आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है एंड BTech, MTech इन कंप्यूटर साइंस स्ट्रॉन्ग DSA प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट इन लोगों ने मांगी है। सो लेट मी पुट आउट ऑल द लिंक्स द डिस्क्रिप्शन, यू कैन अप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।